Now, to usher in the winds of anticipation, let's welcome our esteemed chief guest, Shri Prafulji Pancheria, whose accomplishments are a constellation of inspiration. Sir, your wisdom is the compass that aligns us towards excellence. We look forward to gain valuable insights from your experiences and wisdom. May we take this opportunity to request Shri Prafulji Pancheria to address the gathering. Sir, please. वंदे मातरम, भारत माता की। आदरणीय डायस, अग्रवाल समाज के प्रेसिडेंट और ट्रस्टी, आप सब उपस्थित सब समाज के वरिष्ठ अग्रणी बंधुओं, भगिनियों, एनुअल डे के बारे में मुझे संजय भाई ने बताया था। 15-20 दिन पहले आप वडील सब आए थे मेरी ऑफिस पर और मुझे टेंशन था कि अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो, कि सरकार की कहीं मीटिंगें चल रही है, अभी इलेक्शन का वर्ष है, फिर भी इस सब आना जाना मिलना सब ईश्वर की कृपा होती है और सब इंसान ये सोचकर चलते ना कि सब ईश्वर की कृपा है तो कहीं दुख नहीं रहेगा, सभी जगह पर सुख ही सुख। मैं हृदयपूर्वक वंदन करता हूँ, आप शिक्षण के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जिन्होंने इसमें जो डोनेशन दिया है, जो अपनी कमिटी इसमें जो मेहनत कर रही है, आप सब ईश्वर का काम कर रहे हो, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हो, इसलिए मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वेदों में लिखा है कि जिसका राजा देव जैसा होता है ना, उसकी प्रजा अच्छी होती है। अग्रसेन महाराज एक ऋषि तुल्य और भगवान तुल्य राजा थे। आज जो उसके फल आप सब खा रहे हो तो हमारा राजा की इतनी कृपा होती है, मैं उसके चरण में भी वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज पूरी दुनिया में सब वाली अपने बच्चे के लिए बहुत सोचते हैं, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पढ़कर बड़ा बनेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी युग में शिक्षा के साथ स्पिरिचुअल पावर्स नहीं होगा, शिक्षा के साथ अगर धार्मिक ज्ञान नहीं होगा तो चाहे कितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा, प्राप्त करेगा, अचीव, फिर जो आंतरिक शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप स्पिरिचुअल साथ ये शिक्षा दे रहे हो, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी सूरत में मैं रास्ते में आ रहा था तो एक पूरा फैमिली ने आत्महत्या कर ली। ये सब हमारी एक, हम इस शहर में रहते हैं, अगर दूसरे शहर में भी ऐसी घटना होती है तो हमें दुख होता है, क्योंकि आखिर तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है, प्रेम, दया, करुणा, किसी को माफ कर देना, अगर हम नहीं करेंगे तो ईश्वर तो करने वाले ही है, सब कुछ करने वाले तो ईश्वर है। तो ये भावनाएं हमें अपनी दिल में उजागर करनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के साथ मैंने 12 से 17 तक विधायक रूप में काम किया है। 2005 में पहली इलेक्शन इस सूरत में मैं लड़ा था, 10 में दूसरी बार, 12 में तीसरी बार और 22 में चौथी बार। मैं एक सैनिक की तरह से काम कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी का सैनिक हूं और मुझे गर्व है कि एक महीने पहले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब सरकारी स्कूल में, जो पूरा विलेज में, ट्राइबल एरिया में चल रही है, आज मुझे खुशी है 50,300 स्मार्ट क्लासे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लोकार्पण किए।
19,000 कंप्यूटर लैब्स अर्पण कर दी, 6,000 नया रूम्स बांधने की अनुमति दे दी। आज शिक्षा क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी दुनिया के साथ हमारा बच्चा कदम मिलाकर चल चके, ऐसे ही हम सोच रहे। लेकिन हमारी जो सभ्य संस्कृति है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये हमारा सांस्कृतिक विरासत वारसा है, वो हमें जीवंत रखना है। विश्व की 20 से 22 संस्कृति नष्ट हो गई, आज हम खड़े हैं, आज हमारी भारतीय संस्कृति सबके सामने, विश्व के सामने खड़ी है, और नरेंद्र भाई मोदी जैसे पवित्र राजा हमें मिला है, पूरी दुनिया को आज भारत वंदन करता है। सांस्कृतिक विरासत है, यहां ना जातिवाद है, ना प्रांतवाद है, ना भाषावाद है, यहां सिर्फ राष्ट्रवाद है, सिर्फ मानवीयतावाद है। आज हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे राष्ट्र में, जब इंग्लैंड में अमेरिका का भी उद्भव भी नहीं हुआ था 2000 साल पहले, तब 7,200 गुरुकुल इस देश में चल रहे थे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने पूरा खगोल शास्त्र दिया था, ये 2000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। चरक संहिता ने सुश्रुता मुनि ने 1,00,000 श्लोक लिखकर पूरी बॉडी की रचना दी थी। आज जो मेडिकल में कई हिस्सों के बारे में स्टडी किया जा रहा है, और यूनो ने गुजरात में जामनगर में एलोपैथी और मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से विश्व में क्या हम दे सके, वो नरेंद्र भाई ने खात्मुहूर्त किया है। और इतना सारा वैभव, आज हमें तेजस्वी की बात करनी जरूरी है। हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये तो हम सोचते हैं, लेकिन तेजस्वी युवा बने, पराक्रमी वृत्ति वाला युवान बने। अगर किसी भी नौकरी पर जाएगा, ऑफिसर बनेगा, लॉयर बनेगा, जज बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, पराक्रम वृत्ति ये होती है कि कोई मुझे राष्ट्र विरुद्ध की गतिविधि में या गरीब आदमियों की लांच देते हैं ना, तो हम नहीं लेंगे, ये पराक्रम वृत्ति है। हम व्यसन नहीं करेंगे, हम ये अभी तो यूथ ड्रग्स के साथ अभी आगे बढ़ रहा है, खान पीन की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। हमारा दिल में एक सद्भावना का, करुणा का जो एक झरना, वो बहना चाहिए। आज मुझे गर्व है कि हम सूरत में एक कर्म भूमि, हमने बहुत कुछ दिया है, मान दिया, सम्मान दिया, ये भूमि को हम बार बार वंदन करते। और काफी मैंने कॉरपोरेशन में काम भी किया, 10 साल तक शहर की डेवलपमेंट में दिलचस्पी के साथ मैंने शहर की काम किया। आज मुझे गर्व भी है और इतिहास गवाह रहेगा कि हमारी पीढ़ी वाले 50 साल बाद बोलेंगे, मेरे पापा दादा नरेंद्र मोदी टीम में काम करते थे। ये लीडर कभी नहीं, मैंने तो देखा है, मिला हूं, इसके साथ काम किया है, हमें बहुत तो मार्गदर्शन दिया एक स्पिरिचुअल के साथ, तो ये ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की एक कृपा के साथ आप कभी बच्चे को ये नहीं बताना कि तू 85% लाना, ये जरूर बताना। कभी नम्रता के साथ सभी का पैर छूना, कभी ये मत सोचो कि बड़ा होकर क्या करेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या करेगा। 12th साइंस में मुझे भी लीडर बनने का तो शौक मुझे 9th क्लास में लग गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं। 12th साइंस में मेरे 5% नहीं आया, वो परसेंटेज नहीं आया, तो क्या करे, पूरा विफल सफलता तो मिली नहीं। अगर सोचो इस समय मैंने कुछ किया होता तो आज मैं शिक्षा मंत्री नहीं बन पाता। ईश्वर निर्माण करता है, तेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, तेरे को ये बनना है। कभी हिम्मत मत हारना। आज मुझे इस सूरत शहर में
आप जैसे बहुत लोगों ने इस सूरत बनाने में बहुत मेहनत की है, सूरत को गर्व दिया है। हम जहाँ जाते हैं वहीं सूरत की तारीफ सुनते हैं। और लक्ष्मीपति संजय भाई, मैं मंत्री बना बाद में, मुझे पहचान वाले नहीं है, पहले से पहचान वाले मेरे दोस्त थे, और दोस्ती तो निभानी पड़ती है, इसलिए मुझे आना बहुत जरूरी लगा। ये समाज के अग्रणी लोग, प्रेसिडेंट वगैरह काम कर रहे, तो हम ये पवित्र यज्ञ में हम सपोर्ट करेंगे। अगर एक फंक्शन है, किसी का नाम भूल गया, किसी का पहला नाम नहीं लिया, कार्ड में कभी किसी का नाम रह गया, तो मेरा अपना समझकर, ये समाज का काम है, ये राष्ट्र का काम है। और ये एजुकेशन के बारे में आप जो कर रहे, ये राष्ट्र निर्माण का काम है। इसलिए आप सब समाज के जो अच्छे काम हो रहे उसमें सब शामिल हो। वेदों में लिखा के जहां पवित्र बातें होती है ना, वो चारों दिशाओं से शुभ विचारों प्राप्त होते, जो आपके समाज में होते, हमारे समाज में होते, इस सूरत में होते। अंत्योदय के एक झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति महान बन सकता है। अंत्योदय गांव में रहने वाला एक बालक, एक समुद्र किनारे पर रहने वाला छोटा सा झोपड़ी में रहने वाला बालक दुनिया का सबसे नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। कभी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ दो, पॉजिटिव ऊर्जा से हम आगे बढ़े। कभी नेगेटिव सोच मगज में आनी ही नहीं चाहिए, बस प्रेम, सद्भावना, करुणा, जो भगवान हमारे साथ व्यवहार कर रहे, ऐसा व्यवहार हम दूसरे के साथ कर सकते हैं? अगर नहीं किया तो करने लगे। आखिर सुख क्या है? सुख ए दूसरों का भला करना, ये सुख है। ये पूरी प्रकृति देने वाली है, जो सूर्य प्रकाश देते, बादलों या ये आकाश में बारिश होती है, वृक्ष पेड़ फल फूल देते हैं, सब देते हैं, हम लेते हैं। प्रकृति को नष्ट कभी मत करो, प्रकृति के साथ रहना ही पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं युगों के बाद। टेक्नोलॉजी आपको सहयोग करेगी, आनंद नहीं दे पाएगी, आनंद तो भीतर ही रहेगा। और आप कहीं भी चले जाओ, हिमालय पर चले जाओ, अगर भीतर की शांति ना होती ना, तो वहीं भी आपको शांति प्राप्त नहीं होती। शांति एक आत्मा की अनुभूति है। दूसरे का भला करना, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, यही शांति का मूल मंत्र है। आज यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माँ के बारे में मैं धन्यवाद करता हूँ, जो ये शिक्षिका बहनों ने ये अच्छा परफॉर्मेंस के साथ, ये बच्चे लोग, हम जब छोटे थे तो ऐसा नहीं कर सकते थे, वो रिंग वाला स्मार्टफोन आ गया। आपका यहाँ मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से ये सब समाज के अग्रणी Thank you so much, sir, for the kind words. That was really motivating. Thank you, sir, for your precious presence on the stage. As we continue with our delightful cultural program, may I now request the dignified dignitaries sitting on the dais to take their seats off the dais. Thank you so much, everybody. Thank you.
खेले रे delighted to extend a warm invitation to student Arham Jain and Manan Agarwal to come forward and demonstrate in front of you all a groundbreaking initiative that has not only gathered accolades but also exemplifies the spirit of innovation. Our smart cab with navigation system for blind people, which clinched first position at the prestigious National CBSE Science Exhibition, is a testament to the power of human ingenuity and compassion. Live without seeing, but be what you are. Good evening, myself Arham Jain. And I am Manan Agarwal. Are going to represent our project, Smart Cab with navigation system for blind people, in front of you. According to the survey conducted by World Health Organization, 2.2 billion people on this earth are visually impaired or blind. To root out from this problem, we have made it a smart cab. Now, my fellow friend Manan Agarwal will going to demonstrate this. In our prototype model, we have placed 1, 2, 3 ultrasonic sensors in 3 different directions to detect obstacles under the range. If any obstacle is detected under the shortened range, our vibrator motor will start to vibrate first. If any obstacle is coming from the left direction, left motor will start to vibrate. Second, if any obstacle is coming from the center direction, center motor will start to vibrate. Third, if the obstacle is coming from the right direction, right motor will start to vibrate. Say suppose obstacles are coming from the all directions, an emergency buzzer will start to beep. To get the location of the blind person, we installed GPS. We developed an app using MIT app developer to get the exact coordinates of the blind person. The app also possesses the embedded map of the respective location of the blind person. Say suppose I have to share the location to someone like police, rescue teams or hospitals. We have the sharing system of the location. In the case cap falls or the battery gets dead, the last location of the person will be saved on our app. If the person is blind as well as deaf both, he can sense the vibration coming from the vibratory motors. Hence, we can conclude this. This will make the blind persons more independent as well as more confident and make them less dependent on their family members, and they can move to the public places as well as in busy road by their own. Thank you. Chalo. Thank you, Aram and Manan, for demonstration of blind navigation cab. This smart cab with navigation system for blind people was met by Arham Jain and Manan Agarwal of 9th F under the guidance of Mr. Shani Kumar Vaidya and has emerged out as a winner in CBSE National Science Exhibition 2023 held at Gurugram amongst 458 participating schools. I'd like to call forward President Subhashji Bansal, Vice President Sanjay Kumarji Swarogi and Shri Shyam Sundarji Agarwal, immediate past president and chair admission committee.
Mr. Shani Kumar Vaidya, mentor, students Aram Jain and Manan Agarwal of 9th F, please come on stage. Audience, please give them a big hand of applause. These students have secured the first position amongst 458 participating schools. Thunder of claps should be there. Keep clapping. Also for the mentor, Mr. Shani Kumar Vaidya. Acknowledge their mentor, Mr. Shani Kumar Vaidya. He's been awarding with the cash prize of 11,000. Please give him a huge round of applause. And now, dear friends, after a hiatus that felt like an eternity, we stand on the brink of unveiling the most awaited event of the year, our annual day. पर आज मेरे दादा दादी की एनिवर्सरी है और मैं उनके लिए गिफ्ट लाना भूल गया। वह मुझे बहुत प्यार करते हैं और वह मुझे कभी नहीं डांटते हैं। ओहो, ये बात है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो उनके लिए एक गिफ्ट तो बनता है भाई। जो हमारी अगली परफॉर्मेंस है वो आपके दादा दादी को डेडिकेट करते हैं, वो भी आपकी तरफ से। दादा दादी के प्यार में बसा है खुशियों का गांव, दादा दादी के आशीर्वाद से बढ़ता है जीवन का सफर। लेट्स वेलकम देम विद द सेम एंथुसियाज्म एंड दैट दे शावर्ड अपॉन अस थ्रू आउट। हमारी सारी गलतियों को वो माफ़ करते हैं, बहुत गुस्से में भी होकर हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती है, ऐसा करने वाले सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं।
तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। दादा दादी और नाना नानी वो नहीं जिनसे रोज बात हो, दादा दादी और नाना नानी वो हैं जो भले ही हमसे दूर हो पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, ओहो कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हम कदमे भले उनसे ऊंचे हो जाएं पर उनके तजुर्बे के सामने हमेशा छोटे ही रहेंगे। Wait, let me just check once. Oh no, it's raining. Why are you asking about weather when everybody is seated in the auditorium for the most awaited Agarwal Vidyabhyas annual function? Yeah, never mind. Tell me what is next. Why do you keep asking me? Let's just ask them to raise the curtain and witness it on our own. Yes, great idea. So may we have the curtain raised for our next performance. Thank you. Parents, there is an announcement. The parents are requested to go and collect Ganesh Vandana students and group dance mother and child students. They could collect their ward. They are ready to be dispersed. Backside. You are supposed to carry your parents' ID along without which you won't be able to claim the child.
Ganesh Vandana and Mother Child Group Dance students. You could go and collect them. Thank you. Scene 1. Once upon a time, on the green planet, where nature and humans lived together in harmony. Hey Krishna, long time, where have you been? Hello Shreyash, nothing was occupied with my school project. By the way, I'm watering the plant. And I'm brushing my teeth. Why are you using the glass of water? Don't you have basin at your place? I do have it. However, when I use a glass of water, it is easier to save the water. How are you going to save all the water alone where everybody is using it to the maximum? Wait kids, she is correct. We need to save water. We won't have it for long. We have enough water in our earth. Don't worry. आओ एक कहानी जिसमें राजा है ना रानी थोड़ी नई है थोड़ी पुरानी पानी की कहानी भाई पानी की जुबानी सृष्टि के आरंभ से पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का ही महत्व रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे अनमोल है वो हूँ मैं पानी कल कल बहती नदियाँ ही मेरा स्वरूप है मैं ही मानव जाति एवं पशु पक्षी को पीने योग्य पानी प्रदान करती हूँ जो सबके जीवन का आधार है इतलाती बल खाती नदियाँ सृष्टि का पोषण करती नदियाँ सबने जिसे अपनी माँ कहा उसी को अंधाधुन बहा दिया बर्बाद कर दिया प्रदूषित कर दिया आज 2050वें वर्ष में लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं क्या आप सबका फर्ज नहीं बनता कि आप सभी मेरी रक्षा करें बोलिए बोलिए सीन 3 अ पार्क विद ट्रीज फ्लावर्स एंड अ स्मॉल स्ट्रीम हे इको एक्सप्लोरर्स आर यू रेडी फॉर एन एडवेंचर एब्सोल्युटली कैप्टन प्लैनेट व्हाट आर वी एक्सप्लोरिंग टुडे या एंड व्हाट्स द मिशन Today we are exploring the amazing world of nature and how we can take care of it. Our mission is to protect the environment. They start exploring the park. Suddenly, Mr. Trash Monster enters, throwing trash everywhere. Ha ha ha! Time to make this place messy. Oh no, who's that? It's Mr. Trash Monster. We have to stop him, Captain Planet. Don't worry, Eco Explorers. With the power of teamwork, we can defeat him. We gather and brainstorm ideas to stop Mr. Trash Monster. How about we recycle trash he threw? And let's use our eco tools to clean up the park. Great ideas. Let's do it. They start cleaning up the park, picking up trash and recycling. Stop that! You're ruining my fun! Mr. Trash Monster, the earth is our home and we need to take care of it. Join us and together we can make this place beautiful. Mr. Trash Monster, touched by their kindness, decides to help clean up. I am sorry for making a mess. Let's clean this up. They all work together to clean the park. अरे भाई, गंदगी में पैदा होने वाले मक्खी मच्छर कीटाणु अपना पराया नहीं देखते और
नेम प्लेट से भी फर्क नहीं पड़ता उन्हें। खतरनाक बीमारियों से बचाना है तो हमें अपना आस पड़ोस भी स्वच्छ रखना होगा। तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। That's the spirit. Remember kids, we must protect our environment and work together to keep it clean and beautiful. Scene 4. In a small town, there lived two friends, Bob and Sally. Bob was known as the wasteful valley and Sally was the sustainable saver. One day, we find ourselves in Bob's messy room, where AC, television, fan and lights were switched on. Also, things were scattered here and there. Come Sally, let's make a castle with the blocks. On my way, let me switch the television off first. That's okay Sally, house help must be coming in sometime and she shall do the needful. Till then, why do we waste electricity unnecessarily? Chuck it and let's begin playing. No, Bob. Respecting and using resources optimally can be fun, humorous and thoughtful. It's not just about saving the electricity. It's about making the world a better place for everyone to live. It's about doing our part to help others in some or the other way. By this small skit, we want to deliver the message that we aren't just related to our family. Instead, we are highly connected to our Mother Earth and we should do all that requires to save and protect it. Imagine a world where everything is dry and scarce, where the sky is always cloudy, where there is global warming due to climate change. Does it look like a cheerful place to live in? No, right? Now, shift your gaze to vibrant, lush world, a place where nature thrives and hope abounds. So, we ask, which earth would you prefer to live on? The dry and dark one or the greener and brighter one? As the curtain falls on this skit, may it rise on a new era of responsibility. Let our love for the earth be the script and our actions its performance. As we rewrite our relationship with nature, making every act a step towards a sustainable future. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth. Amazing words portrayal by the Avivian actors. It really shook our hearts and revived us.
our duty towards Mother Earth. Let's all pledge to make the Earth a better place to live. Please give them a big round of applause. Thank you. लेते हैं अपनी दुनिया में खोए रहते हैं मगर मेरी हर चीज पता जरूर रखते हैं। माय प्रोटेक्टिव है मगर पजेसिव नहीं, प्यार करता बहुत है मगर बोलता नहीं। ऑन दिस अमेजिंग लाइंस वी वुड रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड्स टू कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट अ वंडरफुल डांस परफॉर्मेंस डिपिक्टिंग ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन। थैंक यू। कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते, जैसे कि मेरा भाई। सुनता नहीं, इसे बस एक मौका मिलना चाहिए मुझे छेड़ने का, मनमानी करता मुझे परेशान करने का। मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाने में भी इस महाशय के पांव दुखते हैं। अब देखो जरा। रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का। ला
They really did an amazing job. Thank you. Before we commence, there is an announcement. Ganesh Vandana, group dance mother child, group dance grandparents are waiting backside. तो सभी parents जो भी जिनके भी बच्चे उन dance में हैं उनसे निवेदन है कि जाइए और अपने बच्चों को collect करिए. अपना parents ID card ज़रूर साथ लेकर जाना, आपके बच्चे backside आपका wait कर रहे हैं. गणेश वंदना mother child group dance, grandparents group dance, सभी से निवेदन है. Thank you. महाराजा अग्रसेन की कृपा और आशीर्वाद के बिना आज हम शायद यहाँ खड़े नहीं होते. अग्रवाल विद्या विहार का सफर उनके आदर्श और आशीर्वाद के साथ शुरू हुआ था. अग्रोहा वह हमारे साथ हैं, इस गणतांत्रिक राज्य के संस्थापक थे, प्रजापालक और समाजसेवी राजा महाराज अग्रसेन. धार्मिक मान्यता के अनुसार राजकुमार अग्रसेन का जन्म प्रताप नगर राज्य के सूर्यवंशी महाराजा वल्लभ के घर द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था. अग्रसेन के जन्म के समय ऋषि गर्ग ने कहा था कि अग्रसेन बहुत बड़ा और तेजस्वी राजा बनेगा. यह एक नई शासन व्यवस्था का निर्माण करने में भी सक्षम होगा. अग्रसेन और उनके भाई शूरसेन में अटूट प्रेम था. युवावस्था में अग्रसेन शासन व्यवस्था देखते थे और शूरसेन सैन्य व्यवस्था. वे पहले वैश्य सम्राट बने. आगे चलकर महाराजा अग्रसेन का अग्रोहा कृषि और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र बनकर निखरा और एक समृद्ध शक्तिशाली देश बन गया. अग्रोहा एक सच्चा लोकतंत्र देश था जहां पर हर नागरिक देश निर्माण में अपनी भागीदारी रखता था. हर नए नागरिक को पुराने नागरिक एक एक ईंट एवं एक मुद्रा का योगदान देकर उसे अपना स्वतंत्र व्यापार करने का अवसर देते थे. महाराज अग्रसेन के राज्य में हिंसा को कोई स्थान नहीं था. उन्होंने यज्ञों में बलि का कार्य बंद करा दिया. अग्रोहा की समृद्धि से पड़ोसी राजाओं को असंतोष और ईर्ष्या होने लगी. इस कारण कई बार अग्रोहा पर हमले किए गए जिनके कारण इस राज्य को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा. इसके बावजूद महाराज अग्रसेन ने अपने विशाल परिवार को हमेशा एकता के सूत्र में बांधे रखा. महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्ष की आयु तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया. इसके बाद महाराजा अग्रसेन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु को अपना गणराज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए. समाज के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले इस सच्चे कर्मयोगी को कोटि कोटि नमन. वो देख राहुल जा रहा है. कौन राहुल? राहुल हमारा स्कूल फ्रेंड. अरे हाँ, देख उसके साथ महेश भी है जो मुझे बिना बताए कहीं चला गया था और मैं उसको बहुत याद करता रहा. तेरी दुख भरी कहानियों में टाइम वेस्ट मत कर, चल उन्हें आवाज देते हैं. हाँ हाँ चल. हे राहुल, राहुल, महेश, महेश. अरे कौन बुला रहे हमें? भूल गए क्या? एट स्टैंडर्ड में हमारे साथ था, तेरा जिगरी दोस्त वंश है. महेश, वंश, महेश, वंश. अरे अब बंद भी करो, तुम्हारा ये महेश वंश पुराण. इतने दिनों बाद मिले यार, एक जादू की झप्पी तो बनती है. हे प्रिया. ओए होए, चाहो मेरे यार.
अरे याद करो वो दिन, ये महेश वंश पुराण कैसे कैसे वादे किया करते थे एक दूसरे से। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे हम। पल पल की दोस्ती का वादा है आपसे, प्यार बहुत ज्यादा है आपसे। ये ना सोचना कि भूल जाएंगे हम, जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे हम। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव अ ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस दैट एक्सप्लोर्स अवर इंट्रिकेट रिलेशनशिप विद नेचर। बिफोर वी कमेंस, हियर इज अ थॉट टू पॉन्डर। द डांस विद नेचर इज अ रिदम दैट सस्टेन्स लाइफ, and the steps we take today will determine the song of our tomorrow. Thank you. Prepared by the twinkly stars of nursery. Thank you.